अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ाद शहबाज खान। यकीनन आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जब वो परचून की दुकान पे जाते हैं घी लेने, तो उसे कहते हैं 10 रुपये का दे दो, 2 स्टाकी दे दो। तो यकीनन आपकी नज़र से इस तरह के लोग गुजरे होंगे कि जिन लोगों ने प्रोग्राम तमाशा में आपको बताया था, हमारे व्यूअर्स को बताया था कि उनके पास बच्चों की फ़ीस के 10 रुपये नहीं होते, अंडा ख़रीदने के पैसे नहीं होते। इस तरह के हालात लाहौर में पाए जाते हैं और इस कदर गुर्बत का आलम होने के बावजूद जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से आटे की कीमत में 6 रुपये फ़ी किलो इजाफ़ा किया गया और 20 किलो आटे का जो थैला है वो 120 रुपये महंगा कर दिया गया। अब जिन लोगों की मंजरकशी हम कर रहे हैं जो खते गुर्बत से भी नीचे हैं, उनके लिए 120 रुपये बहुत बड़ी रकम है। 120 उनके पास नहीं होते। मेरे जितने भी इस वक्त प्रोग्राम देखने वाले हैं, अगर आप लोग नहीं मिले इन लोगों से कि जिनके पास 120 रुपए भी नहीं होते, 10 रुपए भी नहीं होते, तो लाजमी आप इर्द गिर्द का जायज़ा लें और इर्द गिर्द के हालात को देखें कि यहाँ किस कदर गुर्बत का हाल है। और जो नई कीमत है इस तरह 925 रुपये मुकर्रर हुई है, और आपको ये बताएँ कि 6 रुपये फ़ी किलो इजाफे से कीमत जो फ़ी किलो थी 40 थी, 40 रुपये 25 पैसे थी, उससे 40 रुपये 25 पैसे यानी 47 रुपीज़ का हो गया। 47 का आटा पर केजी के पीछे चला गया। और इधर चक्कियों पे बेशुमार बहुत सारे किरदारों से आपको मिलवाया जो आपको बताते रहे, हमारे व्यूअर्स को बताते रहे कि 2 किलो आटा लेके जाते हैं, 3 किलो आटा लेके जाते हैं, किलो आटा लेके जाते हैं। ये हालात हैं लाहौर के, ग्वाल मंडी के, जहां हम खड़े हैं। इन सारे मौजूद पर बात करेंगे और देखेंगे कि इसका, इस महंगाई की लहर का आम बंदे पे क्या इम्पेक्ट है। ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। महंगाई के जो असरात हैं, इम्पेक्ट, और बिलखसूस कोरोना की वजह से मार्केट में क्या हालात इस वक्त चल रहे हैं, आटे महंगे होने से क्या इम्पेक्ट क्रिएट होगा, इन सारी बातों पर हम इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अली शेर जी, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है जी अल्लाह। किस तरह तरबूजा बेच रहे हैं? ये जी 15 भी बेच रहे हैं, 20 भी बेच रहे हैं। अच्छा, तो कोई हालात बेहतरी की तरफ गए हैं या क्या हालात है? सर मंडियों में पूछने वाला कोई नहीं है, मंडियों में सौदा महंगा देते हैं, वहाँ चेकर नहीं है। वहाँ पे चेक करने वाला होना चाहिए कि मंडी में सौदा सस्ता मिले ताकि हम भी आगे सस्ता बेचें। मंडी में अगर महंगा मिलेगा तो हम सस्ता नहीं बेच सकते। पेट्रोल कम हो गया लेकिन रिक्शे वाले जो हैं, लोडर हैं, रिक्शे वाले हैं, वो किराया ज़्यादा लेते हैं। आटा 6 रुपये महंगा हो गया? हाँ जी। किलो के पीछे जी आटा वो खरीदते हैं? हाँ जी खरीदते हैं। कितना लेते हैं कट्ठा? कट्ठा ले लेते हैं ये 5-10 किलो 20 किलो, बस इतना ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आटा भी महंगा हो गया जी, 6 रुपये आ गया क्या? देखिए और क्या होता है महंगा, हुकूमत में यही कुछ होना और क्या होना है। खाने की रोटी को पैसे नहीं किसी को मिल रहे तो आटे का तो फिर सोच खत्म कर देना। गरीब आदमी 1-2 किलो रोज आटा लेके जाता है, वो भी दूसरे दिन सोच ही पड़ा होता है हम कैसे ले। आपने कभी इधर से लोग देखे हैं जो 1-2 किलो लेते हैं आटा? मैं खुद लेके जाता हूँ। कितना लेते हैं? मैं 2-3 किलो ये बैठे हुए हैं, पूछे 100 रुपये का, 150 रुपये का आटा लेके जाता हूँ, दूसरे दिन फिर सोच में पड़े होते हैं कैसे। ज्यादा से ज्यादा आप लें तो 1-2 किलो लेते हैं? 2 किलो से ज्यादा नहीं ले सकते हम, गरीब आदमी स्वैद पहुंच जो है ना मर गया इस दौर में। सबसे ज्यादा आपने आटा कितना इकट्ठा खरीदा था? मैं ज्यादा से ज्यादा 5 किलो से ज्यादा नहीं लेके गया, जब का लॉकडाउन हुआ ना, 5 किलो 2 किलो 5 किलो 2 किलो, जो कमाना वो खाना है। आपने माना आटा कभी इकट्ठा नहीं लिया? माना आटा सोच भी नहीं रखते हम, माना आटा कौन खरीदेगा 3-4 हजार के, जिसके पास रोज 100-200 रुपया 500 रुपया कमाने का और रोज का कमाएगा वो 500 रुपये का आटा किधर से लेगा? माना आटा खरीदा ही नहीं कभी? कभी नहीं खरीदा हमने, पहले खरीदते थे बोरी जब अमीर थे, जब ये कितने साल पुरानी बात है? ये कम से कम कुछ 2-3 साल पुरानी बात है। उस टाइम मैं सहबेसिया था, अब मैं रशका चलवाता हूँ, तो अब रोटी नहीं पूरी होती तो आटा किधर खरीदना था? 2-3 किलो बस। ये 12-12 हजार रुपया जिन्हों को दे रहा है, मेरे को बताओ किसको मिला है 12-12 हजार? किसी का अंगूठा नहीं है, किसी का कहते अंगूठा ही उतर गया हुआ है, किसी का कुछ है। 500 बंदा मैं इकट्ठा करूँ ना तो 50 आदमी को 12 हजार नहीं मिला।
ये अमीर आदमियों को देते हैं जिधर इन्हों का जो नाम हो जिसका इसका नाम है पता भी ये हमारे असल अफसूस वाले आदमी है उन्हों को 12,000 रुपया मिलता है गरीब आदमी को नहीं मिलता है करोड़ोंपति ये बरवाने चौक में एक आदमी है करोड़ोंपति है उसको 12,000 रुपया मिला है वो कहता मैंने नहीं लेना मैं कहा ले किसी गरीब आदमी को दे दे करोड़ोंपतियों को मिल रहा है गरीब आदमी को नहीं मिल रहा इसको पूछा ये इसको मिला है मेरे को नहीं मिला और 500 बंदा खड़ा किसी से पूछो मिला है मैसेज भी किया था वो कहते हैं कि आपका शिनाख्ती कार्ड का नंबर नहीं ठीक है मैसेज कई दफ़ा किया ये मेरे साथ अनीस साहब हैं जी और हमारी बहन है अस्सलाम वालेकुम की अगे वो हिसाब से तो 55,000 रुपये का 5 किलो आटा होंगे सी उन्हें आसरे 62 रुपये का कोई 63 रुपये का आटा 63 रुपये का कोई ऐसा आटा मिलता भी इन्नी महंगाई तुम आखरा नहीं की कुछ तो लिहाज करो ऐसा तो एक दुनिया ये तो मरती पी है तो एक दुनिया महंगाई तो भुखी मरन दे ही है गुत्थी का आटा नहीं तुम खाते हो गए ना चक्की का ही खाने असं चक्की तो बगैर कभी वो तो खाने के काबिल ही नहीं है जेड़ा मिलों का आटा तुम भैन जी रोटी खाओ तो रोटी तुम फड़ो तो मैं फड़ागा तो टुटेगी रबड़ बन जाता है चक्की का खाई दा भी जिते 2 खाई उ डेढ़ खा ली दी है और बच्चों को कहते पुत्र ध्यान ना चलो इन्हें तो बर्बाद कर दिता जे जो करना सी हूँ तुम अपना आप संभालो कोई चीज सस्ती नहीं जी हुई सब्जियां ले लो फल ले लो आटा ले लो चीनी देख लो 90 रुपये किलो तक चली गई जे कोई मकसद नहीं जेगा डीजल पेट्रोल दे रेट घटे ने मल्टीनेशनल कंपनियां ने रेट बढ़ाते ने बजाय घटाने दे जी 100 रुपये की बोतल पानी की लिए 110 रुपये की और गोरमे की और गंदम जी जे वह बड़ी तंग जे थ्रू आउट गंदम बिल्कुल नहीं जे मिल रही 1800 तो उत्ते गंदम का भाव आ गया इसलिए इतने लाहौर की मार्केट का तो बाहरों आने नहीं दे रहे पता नहीं की मकसद है बाहरों उन्होंने पूछो कहते साढ़े टारगेट पूरे हो गए हैं मगर स्टोर के उत्ते 30-30 रुपये 40-40 रुपये दाल मगर बताते हैं हुकूमत का यूनिटी स्टोर है और नवे रेट आए हैं गरीब आदमी तो मर गया यूनिटी स्टोर से दाल की कीमत 30-30 रुपये 50-50 रुपये बताती है चीनी का रेट बताता प्याज 50 तो 70 रुपये किलो दे और की खावे असं तो मर गए दिल कर अपने आप मार ली असी सू हो गया हुकूमत अच्छी दाल 200 तो शुरू हो रही है हम तो 300 क्रॉस कर दीजिए यानी माँ की दाल तुम अद्धा किलो मंगाओ 160-170 रुपये की अद्धा किलो दाल हैगी जे तो एक डंग की दाल अद्धा किलो है जिते 5-6 जी हो गए उत्थे अद्धा किलो की करेगी वो तो कहेगा जी सस्ती दाल है जो बाहरों कट्ठी करके तो लिया के छान के पका लो ए दौर चाहे दौर आ गया जे भट्ट साहब क्या वजह है ये अभी देखे ना इनको गंदम अगर नहीं मिल रही तो ये चक्कियों का आटा भी महंगा हो जाएगा गंदम ही नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे ये बुनियादी प्रिक्योरमेंट नहीं हो पाई थी जितनी टारगेट था जो बुनियादी रिपोर्ट भी कहती है गंदम से मुतल्लिका लेकिन आप देखें कि सूरत हाल जो है वो आपके सामने है मार्केट में देखें हालात क्या है इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें फायद भाई पहली बात तो ये है कि जिस तरह गवर्नमेंट ने ये मुहिम चलाई थी कि आटा स्कैंडल और चीनी स्कैंडल के लोगों को हमने पकड़ना है इन्होंने 25 तारीख दी 25 से फिर वो मेरा ख्याल है 2 या 3 तारीख ले गए SOP बनाए JIT बनाई ये सारे ड्रामे थे देखें जब तक ये इन चोरों को नहीं पकड़ेंगे उनको खुली छुट्टी है आप एक मिनट अपनी आपको मजे लुत्फ वाली बात ये है कि चीनी के इशू पे जुआ होता है ये बिल्कुल दो तरह का एक जुआ ये होता है कि आपने आपकी मिल है ना मिल है तो सामान खरीद लिया आपसे सामान मिल में ही पड़ा मैंने मरवाना जी अच्छा सामान कहाँ पड़ा है मिल में पड़ा है वहाँ से चला गया बुकीज के पास उन्होंने जो ब्रोकर थे उन्होंने जी उसको बेचना शुरू कर दिया अब हुआ क्या कि अगर कोई बोरी है 7600 रुपये की 7600 रुपये की बोरी है और वो कहते हैं कि अगले 15 दिन में इसकी कीमत 400 रुपये अगर बढ़ जाएगी जी तो बोरी के पीछे 400 रुपया उन्होंने लेना शुरू कर दिया टोकन मनी बयाना वो बयाना लेना शुरू कर दिया अगर एक बंदे ने 1,00,000 बोरी खरीदी है तो उसने 400 रुपया पर बोरी के हिसाब से एक्स्ट्रा दे के
वो लाख बोरी कागजों में खरीद ली। बिल्कुल ऐसे। अब अगर वो हार गया उस तक कीमत नहीं पहुंची तो वो बुकी सारा उतना पैसा ले उड़ेंगे। दूसरा वो जो मिल करती है, मिल पता कैसे करती है, मिल ये करती है कि आने वाला स्टॉक जो है ना उसने अभी जो आया ही नहीं मार्केट, अच्छा जो स्टॉक अभी मार्केट में पड़ा था वो प्लज भी है, वो प्लज भी है। और आप FIA की टीम है अगर, और आप उसे देखने गए हैं तो वो कहते हैं ये तो बिका हुआ है, वो बिका भी हुआ है, वो उस पर कर्ज भी लिया हुआ है। अच्छा दूसरी वो जिसमें मिल क्या करती है, मिल ये करती है कि मिल ने अपना स्टॉक जो अभी आना है, जिसकी प्रोडक्शन अभी होनी है, वो बेच दिया, वो भी इसी तरह पर बोरी के हिसाब से बयाना ले लिया, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने कहा कि अगस्त में चीनी की कीमत 200 रुपये ऊपर चली जाएगी। अब करोड़ों रुपया अरबों रुपया मार्केट पूरी से इकट्ठा कर लिया, लाखों लोग जो हैं उन्होंने ख़रीद लिया मिल से, और एस्टिमेटेड कीमत जो है फ्लक्चुएट हो गई। अगस्त में मिल जब खुद कह रही है कि इतनी कीमत बढ़ जाएगी, ये दो बड़ी जो चीज़ें थी जो इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था। दो बड़ी वजह ये है फात भाई, और बेशुमार वजूहत। फात भाई देखें, आपने तो मेरी बात को फिर सेकंड कर दिया ना। अगर गवर्नमेंट ने इन लोगों से पूछना ही नहीं है, इनको सजाएं नहीं देनी, तो सर इसी तरह ही होते रहना ना। ये सारा बोझ जाएगा गरीब आवाम के ऊपर, ऊपर से लॉकडाउन है। आप ये देख रहे हैं कि इन लोगों की पोजीशन ये है कि ये 2 किलो 3 किलो आटे पे आ गए हैं, और मेरा ख्याल है कि ये 1 किलो 2 किलो ये 1 दिन 2 दिन ही गुजरता है, उसके बाद तीसरे दिन फिर ये लेंगे, और लोगों की इनकम जो है वो 0/0 इस वक्त हो चुकी है। गवर्नमेंट इसके लिए, गवर्नमेंट ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। 2 माह हो गया, 2 माह से ऊपर लॉकडाउन को हो गया, गवर्नमेंट ने किसी बंदे, ये देखें मैं ये समझता हूँ कि आप कह रहे हैं 12,000 रुपया, खुदा की कसम मेरा ख्याल है, मैं शहर में रहता हूँ, शहर में शायद कोई बंदा होगा जिसका मैसेज आ गया पैसे ले जाओ, पैसे लेने सेंटर मॉडल स्कूल उन्होंने वो बनाया हुआ है सेंटर, वहाँ गए हैं, आपका अंगूठा नहीं मिल रहा, आपका ID नंबर ठीक, अच्छा कहाँ जाएं जी, ऑफिस जाकर ठीक करवाएं, ऑफिस गए हैं, ऑफिस वैसे ही बंद है लॉकडाउन में, खुला है, 2,000 बंदे की लाइन लगी हुई है उधर नादरा ऑफिस में, 2,000 बंदे की लाइन है, किसी का उधर जाते हैं नादरा वाले देते हैं पर्चा जी आपका वेरीफाई हो गया अंगूठा, लेकिन जिधर इधर लेके आते हैं ना जिधर, वो कहते हैं आपका अंगूठा हम नहीं मानते नादरा को, किधर जाए आदमी, वो कहते हैं इतनी जलालत है ये 12,000 रुपए में आप सोच नहीं सकते। इससे सबसे अच्छा बेहतर तरीका था मैसेज भेजो, इजी पैसे से ले लो, इजी लोड से ले लो, जिधर से मर्जी ले लो, ये तो अंदर ड्रामेबाजी है। एक एक आदमी 1,000-1,000, 2,000 रुपया दे क्या, आ रहा। क्या बता रहे, कहने नहीं जी के नादरा ऑफिस जाओ तो 1,000-1,000 रुपया मांगते, पैसे लेने 2,000 रुपया 1,000-2,000 दो, फिर अंगूठा मना गए। किसने मांगे आपसे, वो जो सेंटर पर बताओ यार, कुछ नहीं होता। लेकिन ये हकीकत जे पैसे मांगते जे कहते ने जरा ताड़ा अंगूठा मैच नहीं करांगे पैसे दो, बाहर बंदा खड़ा है कहने नहीं ते ताड़ा अंगूठा मैच के बाहर बंदा खलोता है 1,000 रुपया फड़ाओ तो ताड़ा अंगूठा लेंदे ने 1,000 रुपया नहीं वो बाहर से ही कोई, क्योंकि वो कंप्यूटर ही सिस्टम है। हां जी बाहर से कोई दिहाड़ी लगाता है, बाहर से ही कई बंदे खड़े होते हैं, उन्हों के अपने बंदे खड़े होंगे, मुमकिन है कोई उन्हों का बंदा है तो लेके जा रहा ना वो, नहीं 12,000 रुपया उन्हें दे दियो आगे ते अंदरों फिर क्लियर है ठीक है। हां हो ऐ ऐसे फिंगरप्रिंट 100% होंगे 100% है, वो इस तरह कहंदे ने कि जी तुसी 1,000 रुपया दियो नहीं तो जाओ अंदर जाके औरत जाके जल्दी अंगूठा लांदी हो कहंदी जी ताड़ा मैच नहीं है जाओ ते जरा पैसे दे देना उन्होंने कहना भाई 10 मिनट के अंदर अंदर फारक होती है, वो बाहर इशारा करा देना ओके चलो जी 1,000 रुपया मिल गया तुसी अदा अंगूठा क्लियर करो। प्रोग्रेस रिपोर्ट है इस गवर्नमेंट की, किसी से भी पूछ लें, बच्चे से पूछ लें, बड़े से पूछ लें, अमीर से पूछ लें, गरीब से पूछ लें, मिल ऑनर से पूछ लें या किसी फकीर से पूछ लें, हो गया पाकिस्तान में था मुझे आते साथ ही फारक कर दिया इसी गवर्नमेंट, जो कह रही थी मैं 50,000-50,00,000 नौकरियां दूंगी इसी गवर्नमेंट, इसी इलाके में इनको पता है इसी गवर्नमेंट ने आते मुझे फारक किया है, जितने नून लीग के लोग थे इन्होंने जानबूझ के फारक किए हैं, और मैं 36 दफा अपने दफ्तर में गया हूं कि ये मेरा काम कर दो, वो कहते जी आप के पास जाओ हमारे पास टाइम नहीं है, करेगा जब फलाना करेगा। सेंट्री वर्कर जी हूँ जॉबलेस हो गए, कह रहे जी बिल्कुल फारग हो गए रहे, तो मामला सर ऐसे तो नहीं गए जे, कोई चेंजिंग नहीं जे, कोई तब्दीली नहीं जे, बल्कि पहले तो ज्यादा बेड़ा गर्क हो गया जे,
सिस्टम जड़ा बिल्कुल एबसेंट हो गया है। दसो सन मैं तो कभी नहीं कि कोई देखा कोई मिनिस्टर कोई कोई किसी बंद ने कोई आके गल की हो सारे इधरों उधरों आके बह गए गए जिन्हों का कोई चक्कर नहीं गया। आपको जब गंदम नहीं मिलेगी तो आपकी रेट कब बढ़ सकता है? सारे रेट रेट बदन के बिल्कुल चांस है जे 1800 तो उत्ते भाव हो गया है जो कनक का, यानी जिन्ना भावों से तुम पहले प्रोग्राम कर रहे सो कनक उन्होंने भावों से वापस चली गई जे, और फिर अच्छी म्यारी गंदम नहीं मिलती पी, म्यारी गंदम ही नहीं जाएगी। मतलब कि आप लोगों की तरफ से भी बढ़ाया जाएगा सारे जो गंदम रेट वादा जाएगा तो असं भी फिर जाहिर है कुछ करा। फिलहाल तो मिला लेने रेट वधाते ने फाइन दे मैदे दे सादे आटे दे उन्होंने फुल रेट है और मिलों वाले कोई इन्हों का कंप्रोमाइज नहीं हो रहा। मिलों ने भी बड़े मजबूर ने, मिलों वाले भी मजबूर है जे, तो असी तो है ही हैं सारे गोदाम खाली पे है ने कोई अंदर माल नहीं जाएगा। 110 रुपये बधाते नहीं उन्होंने 110 रुपये फी किलो 20 किलो के थैले मगर तो की करेगा गरीब आदमी, गरीब आदमी तो पिस के रह गया खुदा की कसम रोटियों आतर हो गए। असी तो यही दुआ मांगने या अल्लाह जहाँ खत्म कर देते जहाँ कोई निजाम यहोजा लाया जरा कोई जिंदगी दे विच सुकून हो जाए। इन्होंने कहा कि जी 12,000 रुपया तुम देंगे शनाख्ती कार्ड से जरा मैसेज करता है वह की आंदा जवाब कि जी आपका शनाख्ती कार्ड और डिसक्वालीफाइड है तुम ये कर नहीं सकते हो अपलाई नहीं कर सकते और जिन्हों का किन्हों दे रहे बेनजीन इनकम सपोर्ट जिन्होंने। अनीस भाई ये जो इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेट किया गया गंदम का क्राइसिस भी चीनी क्राइसिस भी और बहुत सारे फैक्टर्स का जायजा लिया गया किस तरीके से कहां कहां बेजाबतगियां पाई गई चल रहे हैं बड़े पैमाने उससे कोई फायदा होगा आप समझ फायदा है जी कि जिन्हें जिन्हें ना आए थे जिन्हें जिन्हें तस्वीर आई ने वह सारे अपने अपने घर आराम ने बैठे गए ने इन्होंने घुमा फिरा के उफ सारा मलबा जरा पिछली घूमत बात है सर वो तो सारा मलबा पिछली घूमत बात है इन्होंने इन्होंने तो की कहें असं तो सारे नहाते धोते घोड़े गए हैं भट्ट साहब सारा मलबा पिछे पा दो इन्होंने नया शोशा आया बारवासी करके गया फलाना छड़ के गया फलाना करके गया। देखे जी नया शोशा एक और आया शहजाद अकबर वाला ये बंदा कौन है ये पहले क्या था 15 सवाल आए ना शहजाद अकबर ना जवाब दे पहले जाके ये देखना की उसको कैसे गोल किया जाता है। हाँ जी तो और होइएगा जिस तरह आटा और चीनी का गोल हुआ है इसी तरह ये भी गोल हो जाना। नहीं तो अगर आप चीनी स्कैंडल और चीनी कमीशन की रिपोर्ट को आप मयार बनाए जिसमें बिल्टी जब बनती है तो एक बिल्टी जो थी वो रिकॉर्ड के लिए रख ली जाती थी और बिल्टी जाली बना के तो बंदा तोड़ दिया जाता था वो केपी गया है बिल्टी कहीं और की बनी हुई है इस तरह करके है। अच्छा उसमें आप क्रशिंग जब करते हैं तो क्रशिंग का नहीं मयार बता रहे जी। क्रशिंग का जो जितनी क्रशिंग हुई है वो बता नहीं रहे कोई आप अपनी कैपेसिटी शो नहीं कर रहे कैपेसिटी में बहुत अरबों रुपए का इससे टैक्स आपका फिर जब आप वजन कर रहे हैं तोल कर रहे हैं तो उसे कहते हैं ये ठीक ही नहीं है अप टू मार्क ही नहीं है तो 25 से 30% आप वहाँ कटौती करवा लेते हैं हाँ जी ठीक है ना जी। हाँ जी ये जड़ा गन्ना आंदा जी और जो 25 से 30% भी कटौती होती है ना जी हो गई ना। हाँ जी अब इन चीज़ों का अगर मयार बना के सोचना शुरू कर दें तो ये पोल्ट्री की कीमत में फ्लक्चुएशन ये आटे और गंदम में फ्लक्चुएशन चीनी में फ्लक्चुएशन ये तो लगता है कि सेम तरह का एक मामला चल रहा है। पाह साहब सारा निजाम A1 चल रहा पिया सी कितने कोई रफड़ नहीं सी हर बंदा खाता पीता सी और जदों दे माफिया दे कमीशन हर बंदे नूं तो चोर बना रहे ने वो तो कह रहे ने कि हर बंदा चोर है जे जिन्हें 4 बोरियां चीनी दी रखी हैं जिन्हें 4 बोरियां कनक दी रखी हैं कहिंदे चोर है। चीज़ें सस्ती हुई हैं कुछ जी सस्ती हुई हैं कुछ चीज़ें जी क्या सस्ता हुआ है सबसे पहले तो आटा महंगा हुआ है कनक गवर्नमेंट खुद ले जा रही है कौन को मिलों को नहीं दे रही अगर वो यार थोड़ा फासला कर ले भाई पीछे पीछे हो जा थोड़ी सी कनक अगर मिलों को वो दे तो मिले 120 रुपये आटे का थैला ना बनाए हमने आज आटा नहीं मंगवाया गा कहता तुम जोड़े 3 रुपये लेने 900 रुपये का आटे का थैला लाकर सिर्फ 3 रुपये हमें मिलने हमने बेचना बंद कर दिया। पीछे आप बता रही हैं 300 रुपये मिल रहा है जी हाँ पीछे मैंने रेट पता किया और लिखा है 260 ठीक है जब मैंने उन्हें कहा यहाँ से 260 लेके आपका 300 का दे देंगे तो कहते हैं ये रेट ये हुकूमत के लिए हमने लगाया हुआ हम लेना लेना तो अब जाए 40 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचा रहे हैं। आटा महंगा हो गया तो नान और रोटी भी महंगी करेंगे क्या करेंगे रोटी तो कम से कम 8 रुपये की होनी चाहिए सादी रोटी वारे में तो नहीं है
हम क्या करें जब अभी कितने की दे रहे हैं आप भी 6 रुपए का दे रहा हूँ जब 1700 रुपए का बूरी थी ना सादी रोटी 6 रुपए की थी अब 3600 रुपए की बूरी हो गई सादी रोटी फिर भी 6 रुपए की है कैसे ये गंदम की कीमत स्टेबल हो सकती है जिसकी वजह से आटा भी स्टेबल हो सकता है साहब सदियां तो महकमा फूड सदियां तो गंदम खरीदारी करता है एक कोई नवा अंदाज नहीं है इन्हों के टारगेट पूरे हो गए ओपन कर दियो आपे करेंगे रेट थले आइएगा कमीशन जब इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो एक ड्राइवर से पूछा कि भाई तू 60 करोड़ की चीनी खरीदी है वो कहते मैं तो आधा किलो घर लेके जाता हूँ मुझे तो नहीं पता तो करोड़ों रुपए की चीनी अरबों की चीनी जो है वो ड्राइवरों के नाम और सारी चीजें क्या फिर ये चले आप समझते नहीं है कि पहले इस पे तो डिस्कस नहीं होता था कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता था अब तो इंक्वायरी रिपोर्ट है आपके सामने मैं तो दसने फाज साहब चीनी कमीशन सबसिडी नवाज शरीफ ने भी दी बकौल इन्होंने सबसिडी शहबाज शरीफ ने भी दी खकान शाहद खकान अब्बासी ने भी दी मगर चीनी का रेट 50 रुपये ही सी चीनी का रेट 50 रुपये ही सी ठीक है जी इन्होंने दी है सबसिडी तो चीनी 100 रुपये किलो तो चली गई है इन्होंने किसी होर करेंसी च फिर दी होगी सबसिडी सबसिडी देने का जो मकसद है वो तो है कि भाई हमारे मुल्क में ये चीज़ पूरी नहीं हो रही आवाम को रिलीफ मिले सबसिडी नहीं और रिबेट होंगी जे सबसिडी नहीं गई इन्हों जी मिलती जी और रिबेट होंगी जे वो सबसिडी नहीं गई सबसिडी तो बाहर जाना हाँ जी नहीं सर और रिबेट हैगी है जी इन्होंने बाहर भेजी है ना चीनी रिबेट लेंदे ने और हर मुल्क इन्ना कुछ करके भी चीनी 50 धोते नहीं गई सर लेकिन हूँ गल तो हो रही है ना हूं की उन्होंने असल इल्जाम जाना पिछली गवर्नमेंट के हवाला से बनना ना हवाला तो बनना है ना हवाला नहीं जो बनाना क्यों सबसिडियाँ कहते जी नवाज शरीफ ने दी शहबाज शरीफ ने दी फलाने ने दी और चीनी फिर भी 50 धोते नहीं गई ए कड़ी करंसी जी सबसिडी दी इन्होंने कोई 100 रुपये किलो हो गई है चीनी 11 साल आटा 48-50 रहा है ठीक है जी बिल्कुल रे है हूँ आटा 75 रुपये तो वापस आया है तो गंदम ने फिर उही पोजीशन है जो वापस आया वो भी रौला शोला पा के ही आया जे अगर रौला ना पैंदा तो अज आटा अल्लाह दे हुक्म नाल वो भी चीनी तो बराबर ही होना सी क्या हाल है आपके तबीयत कैसी है चीजें सस्ती हुई हैं कुछ जी सस्ती हुई हैं कुछ चीजें जी क्या सस्ता हुआ है सबसे पहले तो आटा महंगा हुआ है कनक गवर्नमेंट खुद ले जा रही है कौन को मिलों को नहीं दे रही अगर वो यार थोड़ा फासला कर ले भाई पीछे पीछे हो जा थोड़ी सी कनक अगर मिलों को वो दे तो मिले 120 रुपये आटे का थैला ना बनाए हमने आज आटा नहीं मंगवाया गा कहता तुम जोड़ 3 रुपये लेने 900 रुपये का आटे का थैला ला कर सिर्फ 3 रुपये हमें मिलने हमने बेचना बंद कर दी पर कल 875 रुपये बताया ना उन्होंने आटा 872 रुपये का उन्होंने हमें दिया यहाँ पर और सिर्फ 3 रुपये हमने 75 रुपये हमने लेना वो कहते गा कहते तुम अरे भाई पीछे पीछे हो जाए फासला करें वो कह रहे हैं कि आप चोर हो इस चोर से हमने बचने के लिए हमने आटा भेजना बंद कर दिया क्योंकि सिर्फ 3 रुपये लेने हैं 875 रुपये आज आज मिलों वाले अगर 6 बढ़ा रहे हैं चक्कियों वाले कल को बढ़ाएंगे हम देखेंगे ना ये फकर के साथ हैं जब वहाँ हमको पता चल जाएगा कि रेट बढ़ गए हैं तो फिर हम भी बेच लेंगे जितने का कहेंगे उतने का बेचा बिकेगा ठीक है नहीं तो पड़ा रहेगा जो मजबूर होगा लेकर नहीं तो छोड़ देगा बुनियादी आपका क्योंकि इस हुकूमत में जो उनसे ना आटे के ये करने की मसला हुआ पहले मसला कौन आपसे एक्सपर्ट्स अगर पूछे कि अनीस भाई आपका इतना तजर्बा है इतना पुराना कारोबार है आपका तो ये क्या वजूहत हैं आटे की कीमत क्यों स्टेबल नहीं रहती गंदम की कीमत क्यों स्टेबल नहीं रहती तो क्या क्या आप बताएंगे उसका आए वो भी आपको बताते हैं साथ साथ हाँ जी ये फाहद साहब ये सारा सिस्टम खराब हो गया है बड़ी मुश्किल जी इन ठीक करन ये सिस्टम है जी चलना जो हूँ मुर्गी देख लो 400 रुपये तो वापस आई है हूँ भी मेरा हाल 300 की रेट है मुर्गी का ओ ही दस दे कि 260 आज 260 ये मेरा ख्याल आया 380 से आई जो हूँ मुर्गी लेकिन सर तुसी जनाब जी अज की लिस्ट है 260
रमजान तो 29 में रोजे थी, 29 में रोजे थी, लिस्ट 280 सी। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बड़ी मेहरबानी है थोड़ी जेड़ा तुसी एना कर दे पे हो। ये यहाँ बड़ी मुश्किल से मुर्गी वापस आई है, वो भी सरकार बीच में पड़ी, बड़ी मुश्किल, बड़ा रोला रोला पे है ऐसा रहा। तुसी कराची में तो पहले भी कल भी 400 रुपए बता रहे, 450 रुपए कराची कराची में तो बहुत ज्यादा रेट है। पीछे आप बता रही है 300 रुपए मिल रहा है जी। हाँ पीछे मैंने रेट पता किया और लिखा है 260, ठीक है। जब मैंने उन्हें कहा यहाँ से 260 लेके आपका 300 का दे देंगे, तो कहते हैं ये रेट ये हुकूमत के लिए हमने लगाया हुआ, हम लेना लेना तो अब जाए। 40 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचा रहे हैं, वो कह रही पीछे से 300 मिल रहा है। मैं तो तुम दसी है एने भी सू वे के दस दिता है, अगर 260 बेच रहे होंगे तो स्लेट लगी होंगी बाहर, हड़ताल हुई थी ना, चक्कियां महीना बंद रही है, बहुत आटा। आपने आटा लिया आज फिर? किस तरह महंगा हो गया? महंगा हो गया, 875 रुपए का हो गया आटा। पहले कितने का था? पहले था 810 रुपए का, अभी महंगा ही हो यार। जो चीज महंगी होती है वापिस आती नहीं है, जो मर्जी हो जाए हो रही है ना चीजें। लॉकडाउन जो लगा 100 रुपए का थोड़ा था पहले, अब 4000 का बिक रहा। बस यही कह आ रहे हैं कि उसमें इंक्वायरी हो रही, फलान हो रहा, धमकान हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, उतने की उतनी बिक्री चीनी। जिस चीज का चीज बढ़ जाता है वो कम होता ही नहीं, कभी नीचे आए नहीं पाकिस्तान में। तो जो चीज महंगी होती कभी हुई नहीं सस्ती आता लॉकडाउन में। आप क्या बताएंगे जी? सर ग्रिप नहीं करनी चाहिए, ओपन पॉलिसी रख रहे, आवाम को सहूलत भी देन, इस तरह कुछ नहीं जी होना। देखो ना कोई भी दाल जी 350-300 तो घट नहीं गई, चीनी मुर्गी जी 300 तो उत्ते ही गई है। ये तो हमें कह रहा था ये बेच रहे हैं, हो सकता है सच बोल रहा हो, लेट्स सपोज हो सकता है सच बोल रहा हो, लेकिन मार्केट में कोई भी 260 बेच नहीं रहा। लाती है ना उन्हें रेट लाना तो स्लेट लाता। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आटा महंगा हो गया? आटा महंगा हो गया तो नान और रोटी भी महंगी करेंगे, क्या करेंगे? रोटी तो कम से कम 8 रुपए की होनी चाहिए, सादी रोटी वारे में तो नहीं है, हम क्या करें। जब अभी कितने की दे रहे हैं? अब भी 6 रुपए का दे रहा हूँ, जब 1700 रुपए का बूरी थी ना सादी रोटी 6 रुपए की, अब 3600 रुपए की बूरी हो गई सादी रोटी, फिर भी 6 रुपए की है, हम कहां से लाए, जेब से तो नहीं डाल सकते। अरे भाई फासला रखें यार, फैन का बूरी थी 3500 रुपए का, अब 4700-4800 का फैन की बूरी आ रही है। फैन दी गल कर रहे हैं, फाइन दी सॉरी, ते गैस की भाव चली गई है भी तो दसो ना, ते हर बंदे दा इन्होंने कर दिता है, दुकानदार दा भी कर दिता, मिल ओनर दा भी कर दिता। चाचा कैसे हैं? भाई खैरियत है, अल्लाह छोटा। सेहत कैसी है? काफी तो कोई एहतियात एहतूत भी करते हैं? सेहत आने भाई अल्लाह से माहौल तेरा चनी है, माहौल मालो बेहतर है। क्या हो माहौल माले वो बेहतर है, आप चार भाई भावे चले चले जाने, महंगी हो गई ना सस्ती नहीं होनी, होनी नहीं होनी नहीं भाजी, भूल जाओ जेड़ी एक बारी चीज उते चली गई वो मुड़ के थले हूं जालम बन मौत दवे बस। क्यों मायूसी की बात करते हैं भाई? ताता है तेरे बच्चे ने रोटी ना दीजिए जितो दीजिए, मायूसी तो कुफर है गुनाह है, वो दुन्ना है तो होने आ जा बैठा रह चीज तड़ी है। आटा महंगा हो गया 6 रुपए, 6 रुपए रे तो पाने 500 रुपए बंदा इधर लवां रे सी 500 ना होवे ते लवां रे तो टिड दा पिजे थावा रे टिड वजन थाने है। सही फरमा रहे, ये यहाँ की सूरत हाल है जी, और इनके तो ये बुनियादी जो सूरत हाल सामने जी सारी वाले भाई से बात ही नहीं की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है। ए बंदा तंदुरुस्त है ना, अस्पताल ले जाओ ओनू, इन कोरोना पा के टीका ला के ना इन काम मियानी साहब भेज देने गे, 8000 रुपये भी दो पै दो ना दो, और बिल्ले चक्की ली तीन की है टीका लाया, ए छोटे मनो साइकिल भरा परसों टीका ला के टीका ला के मार छो पैसे कट्ठे करी जा रहे मारी चढ़ते, ये चंगी घूमत आई है, ये तो घूमत आई है लुटन लई, हर बंदा माड़ा बंदा बेरोटी हवादार हो गया, खीरो कहंदा अल्लाह बार पखा ला टपड़े हम फाया ला तो लगा जा, ये तो पाकिस्तान से तो कोई घूमत ही नहीं गई। ਉਹ ਗੰਜੇ ਦੇ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ
कठा करी जा रहे, ए भी नहीं कठा करता पे, कठा करता पे है खीरो ने महीने नु ला दिन, दो महीने नु ला दिन। ये तो साढ़े पाकिस्तान से गिरा गा घूमदार, कोई किसी की इबादत है, कोई किसी की इबादत नहीं। हूं तो डरता मारा डॉक्टर तो भी नहीं जाता मियाँ अस्पताल, वो कहता ना भाई घर मर जाओ चंगा ही। साड़ी गली दे विच चंगा भरा परसों छोटे ना मेरी मुलाकात हुई है, दो दिन बंदा बीमार रहा अस्पताल गया, उन्होंने टीका लाया जहर तो मर गया। ऐसा दसिया बंदा चंगा भरा है ना, इन्हू अस्पताल लाइयो, इन्हें दो घंटे बाद तुम मंजी का पा के लियाओगे। उन्हें कहने करोना की। मेरे मामू का भी ऐसे ही हुआ है, सही थे हॉस्पिटल लेके गया, उन्हें टीका लगाया, मम्मी पे डेथ हो गई। इसी ग्वाल मंडी में एक केस हुआ है कोरोना के सिलसिले में, हमारा दोस्त था मलक फैसल, उसकी बेगम का मैं सोशल मीडिया पे बड़ा चला है, उसकी बेगम को बीमार हुई है, खैर हॉस्पिटल लेके हॉस्पिटल उसने टेस्ट करवाए हैं तो कोरोना पॉजिटिव निकला है, बकाया दूसरे लैब से करवाए हैं तो नेगेटिव निकला है। खैर उन्होंने 30 लाख रुपए का हॉस्पिटल डिफेंस ने बिल भी बना दिया और औरत भी एक्सपायर हो गई और कोरोना डिक्लेयर हुआ। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इस हकूमत का, इस मुल्क के निज़ाम का ये हाल है। अब वो बेचारा ना जाने कहाँ से पैसे कर करा के वो अपनी बेगम को वापस लेके आया और परसों दफनाया उसे। ये इसी ग्वाल मंडी का वाक्य। क्यों जी ऐसे दे रही है, ऐसे दे रही है, साजी कह रहे हैं। अभी मुझे बताएं कि कैसे ये गंदम की कीमत स्टेबल हो सकती है, हाँ, जिसकी वजह से आटा भी स्टेबल हो सकता है। साहब सदियां तो सदियां तो महकमा फूड सदियां तो गंदम खरीदारी करता है, ये कोई नवा अंदाज नहीं है। इन्हों के टारगेट पूरे हो गए, ओपन कर दियो, आपे करेंगे रेट थले आइएगा, जिन्नी तुम जो जो टाइट करी जाओगे महंगी होती जाएगी। इन्हों ओपन कर देनी चाहिए, इन्हों के टारगेट चेज हो गए ने, मगर यह हट दरमी है हजे तक, इन्हों की हजे तक हट दरमी चलती पी है। जिनी देर तक गंदम तो पाबंदी नहीं जो चुकनगे, जिलाबंदी खत्म कर, गंदम सस्ती हो जाएगी। बात यह है ये जो चीजें पड़ी हुई ना, अब इनका फासला करे यार, सारे फासला करे खड़े हो। जैसा का गया गया वैसे बता दिया, देखा कि अच्छा है तो उसको 50 रुपए बता दिए, किसी को 30 बता दिए, किसी को नहीं। यहाँ प्ले कार्ड लगे होने चाहिए, प्राइसेस के मेंशन मोह पर लिखे होने चाहिए। मैं लेकर आ रहा हूँ ना, ये देखे बेंगन भाई मैंने लिखी 40 रुपए, वहाँ से 50 ही बिक रहे हैं, वहाँ 30 रुपए बंदा बेच रहा था, लगे दाव हैं। तो सबसे बेहतर है कुमर ये करे प्राइसेस इनको प्ले कार्ड यहाँ लगाए जाएँ, ताकि कोई उससे ज़्यादा कीमत ना जा ले इसके, और उसी पर वो फाइन किया जाए अगर वो उसके साथ नहीं मिलते जो मंडी के हैं जो रेट्स। तेल किस तरह है? तेल 240 रुपए किलो है। तो आटा महंगा हुआ, तेल तो नहीं महंगा करेंगे? तेल नहीं महंगा हुआ। अच्छा इसकी क्या वजह? शुक्र अल्लाह का अभी बचत है, अभी नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ बड़ा ही नहीं, बाकी कुछ चीज़ अभी इस पर नज़र नहीं पड़ी। जब इस पर नज़र पड़ जाएगी ये भी महंगा हो जाएगा। यकीन करें खुदा की कसम, जो रोज कमाने वाला बंदा ना वो मांगने में मजबूर हो गया, और दुनिया में ना सात बड़े आजम है, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, इससे बड़ा मैंने कोई गरीब और मांगने वाला कभी बंदा नहीं देखा। आटा महंगा तो नहीं आप कर रहे अभी? नहीं अभी नहीं किया। फ्लोर मिल ने क्यों कर दिया? देखिए जी गंदम का रेट बढ़ने की वजह से उन्होंने किया, गवर्नमेंट का अगर कोटा पूरा हो गया तो इसको कोटे के जो ओपन कर दें तो खुद ही ऑटोमेटिकली रेट नीचे आ जाएगा, ये मजीद ऊपर जाता हुआ हमें नजर आ रहा। नाम तो बता दो। अहमदादुल्लाह। अहमदादुल्लाह किस क्लास में पढ़ते हो? उर्दू नहीं आता। उर्दू नहीं आता? अच्छा आपको उर्दू आता है? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तबीयत कैसी? शुक्र अल्लाह बागदा। कम से? पेशावर। पेशावर अच्छा, तो क्या हालात है, कोई महंगाई हुई कम? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी महंगाई कम, चीज़ें तो काफ़ी सस्ती हुई हैं। बिल्कुल सस्ती हो गई है। आटा 6 रुपए महंगा हो गया? ओ बस पता नहीं कैसे इतने क्यों महंगा हो गया, ऐसे क्यों सस्ता होता है यार, क्यों महंगा होता है जी? चार टारगेट अचीव करने के बाद ओपन कर दें? ओपन कर दें सर। आप कह रहे हैं कि टारगेट अचीव हो गए हैं, ये ओपन नहीं कर रहे? ओपन नहीं कर रहे जिसकी वजह ना तंगी है और रेट ऐसे तरह रहे। समथिंग सर अबाउट दिस। बात ये है ये जो चीजें पड़ी हुई ना, अब इनका फासला करे यार, सारे फासला करे खड़े हो। जैसा का गया गया वैसे बता दिया, देखा कि अच्छा है तो उसको 50 रुपए बता दिए, किसी को 30 बता दिए, किसी को नहीं।
यहाँ प्ले कार्ड्स लगे होने चाहिए प्राइसेस के, मेंशन मुंह पर लिखे होने चाहिए। मैं लेकर आ रहा हूँ ना, ये देखें बैंगन अभी मैंने लिखे 40 रुपये, 550 बिक रहे हैं, वहाँ 30 रुपये बंदा बेच रहा था, लगे दाव हैं। तो सबसे बेहतर है कुमार ये करे प्राइसेस इनको प्ले कार्ड यहाँ लगाए जाएँ ताकि कोई उससे ज़्यादा कीमत ना ज़्यादा ले सके और उसी पर वो फाइन किया जाए अगर वो उसके साथ नहीं मिलते जो मंडी के हैं जो रेट्स। आई थिंक यू आर मिस्टर शहबाज, नाइस टू सी यू। थैंक यू सर, खुश रहें। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। विल यू प्लीज टू सेंड दिस माई रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। जी जी प्लीज, थैंक यू सो मच। कोरोना की वजह से हाथ ना मिलाएं, आप खुश रहें। ये सूरत हाल जी आपके सामने है और इन सारे हालात में आप देख रहे हैं कि असली मसले क्या हैं, लोगों के बुनियादी प्रॉब्लम्स क्या हैं। बाजार है जी पूरा और बड़ा मारूफ, लोगों के मसाइल मसले नहीं मसाइल हैं। क्या हाल है आपके, क्या कर रहे हैं, को हमें भी बताएं यार। अरे कोई काम नहीं है। क्या हुआ बेटा, फासला रखें, काम ही कोई नहीं। फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस अल्लाह का कोई ना कोई निज़ाम चल ही रहा है काम के। क्या हुआ, काम ही नहीं है, हर एक जगह पे नहीं है काम। ये तो बड़ी बुनियादी बात है आपकी, सही बात। अस्सलाम वालेकुम, किस तरह टमाटर? 20 रुपये किलो। लोग मजदूरी ढूंढ रहे हैं, लोगों के पास मजदूरी नहीं है, घरों में खाना नहीं है, मसाइल हैं। सबसे बढ़ के लोगों को पढ़ाया नहीं हमने, तालीम नहीं स्टेट दे सकी, लोग एजुकेट नहीं हो सके जिसकी वजह से डिसिप्लिन भी नहीं है, और ये सारी चीज़ें वबाल का बायस बनती हैं, मसाइल का बायस बनती हैं। हाँ जी, मास्क का चक्कर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। तेल किस तरह है? तेल 240 रुपये किलो है। तो आटा महंगा हुआ, तेल तो नहीं महंगा करेंगे? तेल नहीं महंगा हुआ। अच्छा, नहीं, इसकी क्या वजह? शुक्र अल्लाह का अभी बचत है, अभी नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ पड़ा ही नहीं। बाकी कुछ चीज़ अभी इस पर नज़र नहीं पड़ी, जब इस पर नज़र पड़ जाएगी ये भी महंगा हो जाएगा। इस गवर्नमेंट का वतीरा ही है यार। और क्या फैक्टर है जी? एक तो ओपन मार्केट का आपने कहा ओपन कर दें इसको। हाँ जी बिल्कुल, टारगेट अचीव करने के बाद और क्या? सब ए मेन इशू है जी, जिसने तुम कोई भी जिंस जड़ी है महंगाई पे, बहुत ज़्यादा महंगाई है। यकीन करे खुदा की कसम, जो रोज कमाने वाला बंदा ना वो मांगने में मजबूर हो गया। और दुनिया में ना सात बड़े आजम है, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, इससे बड़ा मैंने कोई गरीब और मांगने वाला कभी बंदा नहीं देखा, कभी जिंदगी में नहीं हुआ। मैं सात बच्चों का बाप हूँ इधर, ऐसे नहीं कभी किया, लेकिन आज ऐसे हालात आ गए कि ईद के तीनों दिन ऐसे सो के गुजारे हैं, एक रुपया नहीं था जेब में, लोगों से पैसे मांग मांग के। कौन सा किसी को इसने 12-12 हज़ार रुपया दिया है? एक बंदा मुझे गिना दे, कोई दुनिया का एक बंदा। ऐसे जलील कर रहे हैं लोग, मरने मराने पे आए हुए हैं सारे, ये कोई नहीं है, ये झूठ है, सब ये खा रहे हैं सब। यानी कि एक इन्होंने वो बना लिया वह जरिया, इन्हें पता है कि दुनिया में ये जो 22-25 करोड़ आवाम है ना, ये पागल है, इन्हें लूट के खा जाओ बस, कोई बात नहीं, बोलने वाला कोई नहीं है, इन्हें दबा के रखो जो मर्जी करते रहो। दुनिया ना अब चल रही है, इन्होंने खाना है कमाना है। दौर चंगा सी, पहला दौर बहुत अच्छा सी, बहुत अच्छा दौर सी, हमने गुजारा है और साढ़े सीएम ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा, और दोबारा भी इंशाल्लाह वो आएगा, अल्लाह की मेहरबानी है, शेर दोबारा आएगा और पाकिस्तान मुस्लिम नून की गवर्नमेंट बनेगी। जो भी आए अल्लाह सुबहाना ताला कहता मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा कर दो, मैं दरिया में रास्ते बना दूंगा। इन्होंने कसम है ऐसे कर दिया हुआ है कि बस सर रोना नहीं आ रहा कि भाई यार कम से कम इन्हें चाहिए, कम से कम चाहिए गरीब बंदे के लिए ना आसानी। आटे वाले भाइयों से भी बात करते हैं जी, सूरत हाल आपके सामने है, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र भाई। तो आप आटा महंगा तो नहीं अभी करेंगे? नहीं अभी तो नहीं करेंगे भाई जान, लेकिन खदशा लग रहा है कि आप भी कर देंगे। गंदम तो आप लोगों को मिल नहीं रही? गंदम मिल नहीं रही, गंदम का जो है ना रेट तेज हो रहा है क्योंकि पीछे मिले जो है ना बंद हो गई हुई है, गंदम तो वैसे भी नहीं आ रही बाहर से, उसकी वजह से जो है ना रेट अभी जो है ना तेज होगा, मगर हमने अभी किया नहीं है। हमारे जो सदर साहब हैं वो हमें बताएंगे रेट। कितने दिन आपको लग जाएंगे? देखें ये तो हमारे सदर साहब बताएंगे, जो है अब्दुलरहमान साहब बताएंगे, वो नोटिस भेजेंगे, लिस्ट भेजेंगे, फिर हम बताएंगे रेट देते बताएंगे, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। तो ये जो फ्लोर मिलों की तरफ से बढ़ाया गया है रेट जो है, इससे समझते हैं कि पूरी मार्केट हिल जाएगी, एक दफ़ा फ्लक्चुएट हो जाएगी सर, वो जो स्टेबिलिटी थोड़ी चल रही थी कुछ दिनों से वो दोबारा हिल जाएगी सर। गाहक जो है ना वो तो रेट तो पहले 12 रुपये किलो बेचे हम, जब रेट तेज होगा गाहक भी डिस्टर्ब होगा।
पूरा पूरा माशरा उसकी लपेट में आएगा। गंदम तो हर बंदे ने खानी है, लेके जाना है घर आटा। और यहाँ से आपके 2 किलो वाले लोग भी आते होंगे? बिल्कुल, किलो वाले आते हैं, आधा किलो। कितने फीसद आते हैं? इससे जरा ना महंगाई पता चल जाएगा कि लोगों के हालात क्या हैं। जो 10 किलो लेते हैं, फर्ज करें आपके पास 100 बंदा आया, 100 में से 2 किलो वाले कितने हैं? 2 किलो वाले तो इस टाइम जो पोजीशन हो गई हुई है वो 50% हो गई हुई है। 50 बंदे 2 किलो वाले आएंगे? आएंगे, लाजमी आएंगे। वो जो 5 किलो लेते थे वो 2 किलो ले रहे हैं, जो 10 किलो लेते थे वो 5 किलो ले रहे हैं रेट तेज की वजह से। तो क्या बनता है, क्या तजवीज़ है आपकी कि गंदम की कीमत स्टेबल हो जाए? आपके जहन में कोई आइडिया है ऐसा? कितने साल हो गए आपको कारोबार करते हुए? मुझे हो गए 7-8 साल हो गया। 7-8 बहुत शुक्रिया आपका। सूरत हाल आपके सामने है जी। ये जब गंदम नहीं मिलेगी चक्की वालों को, जो चक्की का आटा खाने वाले हमारे दोस्त हैं, लाहौर का बहुत बड़ा हिस्सा चक्की का आटा खाता, तो वो लोग भी परेशान होंगे। ये देखें आप, आटे की मार्केट है पूरी, यहाँ लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं क्या सूरत हाल है, क्या मामला इनके चल रहे हैं और क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? तो आटा महंगा तो नहीं आप कर रहे अभी? नहीं, अभी नहीं किया। फ्लोर मिल ने क्यों कर दिया? देखिए जी, गंदम का रेट बढ़ने की वजह से उन्होंने किया। गवर्नमेंट का अगर कोटा पूरा हो गया तो इसको कोटे के जो ओपन कर दें तो खुद ही ऑटोमेटिकली ये रेट नीचे आ जाएगा। ये मज़ीद ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आ रहा, ठीक है। आज जो गंदम का रेट है 1800 से लेके 1850 तक था, ठीक है। ये गवर्नमेंट इसको ओपन कर दे, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह। ओपन नहीं करेंगे तो इसी तरह रहेगा? इसी तरह ही रहेगा, ये मज़ीद बढ़ता जाएगा डे बाय डे। क्या मतलब है कि हुकूमत को फौरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, फौरी इकदाम करें तो बात हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जी। सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। ग्वाल मंडी में चक्की मालकान जो हैं उनसे भी बात की, लोगों से बात की, और वो सारे लोग जो यहाँ से 2-2 किलो आटा खरीदते हैं वो भी आपको मिलवाए। क्या हाल है भाईजान? शुक्र। आटा अगर गंदम इसी तरह ना मिली तो चक्की मालकान भी आटा बढ़ा सकते हैं कीमत? क्यों नहीं बढ़ा सकते, हमारा भी हक है ना। क्या हल, क्या इसका? इसका हल यही है, ये गवर्नमेंट, ये कोटा इनका आधा पूरा आ गया, ओपन कर दें गंदम सस्ती हो जाएगी, आधा तो इनका पूरा हो गया होगा। और आपके जहन में क्या तजावीज़ हैं कि गंदम की कीमत स्टेबल रहे, आटे की स्टेबल रहा करे मार्केट में? गंदम सस्ती हो गई, आटा का रेट बरकरार ही रहेगा ना, यही रहेगा रेट। गंदम बढ़ेगी तो आटे का रेट बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जी। इसका मतलब ये है कि ओपन वाला मामला सबसे बेहतर है। एन तुहाडे टारगेट अचीव हो गए, इन्हां छड्ड दिओ, तुसीं जिन्ना कैद करोगे ओ नहीं नायाब होंदी जाएगी, महंगी होंदी जाएगी। जिन्ना कैद करोगे नायाब होंदी जाएगी, महंगी होंदी जाएगी। और हाँ जी, और आहिस्ता आहिस्ता होते चले जाएगा रेट। इन दिनों में जब पूरे मुल्क में माहौल ये बना हुआ है कि कमीशन काम कर रहा था, उसने रिपोर्ट दी है, इस दौरान कोई भी कीमतें अगर बढ़ेंगी तो आप नहीं समझते कि इस रिपोर्ट से लोगों का एतमाद उठ जाएगा? सारे कमीशन की जड़ी रिपोर्ट है, दसो कि बंदा फड़िया इन्होंने कमीशन की जड़ी। मैं तुसी दसो कोई किसी एक बंद का नाल होगा, फलाने बंद उन्होंने फड़े भी, फलाने को 10 रुपये बरामद हुए, वो सारा खादिया जी गए, वो सारा पिछलियाँ घूमता नहीं पाई जा रहे हैं। सर, जब तक इन्हें सजा नहीं ना मिलेगी ये काम कभी नहीं ठीक होएगा, कभी भी नहीं ठीक होएगा। ये इसी तरह महंगाइयाँ बढ़ती रहनी है, इसी तरह ये निज़ाम चलते रहने हैं, इसी तरह ये आवाम जो है ये समझ मरती रहेगी, खुदकुशियाँ करती रहेगी और कर रही हैं। बेशुमार लोग हैं जिन्होंने इस मरतबा ईद भी नहीं मनाई, उनके बच्चों के कपड़े भी नहीं ईद के बने। ये तो ठीक बात, ये हालात हैं। अब आप देखेंगे लॉकडाउन के दरमियान ये काम हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, ये मामलात हो रहे हैं, आप ये बताएं कि किस तरह लोग स्टेबल होंगे, लोग क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, किस तरह अपने आप को मैनेज करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, अपने घर का रेंट कैसे देंगे, बिजली के बिल कैसे देंगे, गैस के बिल। एक तरफ वबा का सामना है, दूसरी तरफ बेरोजगारी के मसाइल हैं, और तीसरी तरफ महंगाई के मसाइल हैं, और चीनी कमीशन जैसी अहम तरीन रिपोर्ट्स पर अमल दरामद अगर नहीं होगा, और इस दौरान जब ये माहौल बना हो कि कमीशन ने रिपोर्ट दी है, उसके बावजूद बहुत सारी कीमतों में रद्दोबदल आप देखें, उनमें इजाफे देखें, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो डेड एंड की तरफ चले जाएंगी। इम्प्लीमेंटेशन जो है इंतहाई ज़रूरी है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इन सारे मामलों का नोटिस ले, और दोबारा से जो आटे का मामला बना है और इसमें
शुगर मिल की तरफ से, फ्लोर मिल्स की तरफ से इजाफा किया गया कीमत में, इसका भी नोटिस ले ताकि इस कीमत को मेंटेन किया जा सके। फातिहा वाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पास।